एक बार तालियां हो जाए जोरदार जितने भी फैन क्लब यहाँ मौजूद हैं और सनी पाजी बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है आप सबको ढेर सारा प्यार <laughs> वो तो है हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का भूलिएगा मत <laughs> देख रहा हूं, मैं बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे बड़े गौर से देख रहे थे क्या कुछ होने वाला है फिर से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि आई मीन हो ही रही है बारिश इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है और इतने सारों को देख बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए <laughs> लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर और बाकी जो मेरे फैंस हैं बल्ले बल्ले थोड़ी <laughs> जी जब पहली बार बताया गया जब अनिल जी आपके पास आए उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगे कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए और अनिल जी को क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है तो क्या हुआ वो क्या मोमेंट था वो देखिए गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पर उठा दिया और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं और बस यही चाहूंगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए देश के लिए बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यारी होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है क्या आवाज़ है अभिषाप बाईस साल के बाद आप तो वैसे की वैसी हैं जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे है ना उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया तो क्या क्या चेंजेस था क्योंकि वो कहानी अलग थी ये कहानी कुछ अलग होने वाली है तो क्या क्या अंतर आ गया है एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था पहले तो शुक्रिया था सबका सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू तो द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टा ऑफ माइंड सानी जी जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना जी जी। तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी बट अनिल जी जब जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था तब बहुत से लोगों ने और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग थे बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे सलमान खान के साथ मैं फ़िल्म कर रही थी कॉलेज लड़की थी अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी वो मेरे प्रोफेसर थे मैं स्टूडेंट थी वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी कहोना प्यारे और आप मुझे लगने लगे मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा गया था और कहोना प्यारे रिलीज़ नहीं हुई थी तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कल कर ही नहीं पाओगे तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं इन ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड मैं एक चैलेंज को एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी तो मुझे हाँ करना ही था यस yes, बहुत मुश्किल था लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे हर चीज़ पे कि तब मैं कैसे थोड़ी मचा कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूँ थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊँ एक माँ उन्होंने छः महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे लुक पे दिन रात हम लोग बारह बारह घंटे बैठते थे और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था है? और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं ये मैं ज़्यादा मेहनत करूंगी जब गदर टू की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैल्फ ऑन इंस्टाग्राम यू नो लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे कदर करेगी हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ़ अ ट्वेंटी प्लस योर बॉय मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल फिर से वही चुनौती मुझे करना ही है अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर माई फैबुलस मेकअप टीम जयवन जी पूजा जी एंड ग्रॉकी हू वर्क टॉन माई कॉस्ट्यूम्स हम 20 20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मचौ दिखाने के लिए फिल्म में आईGot the most beautiful message from Anil ji saying my precious Sakina is back आह क्या बात सनी जी कम बातें करते मुझे मेकअप करना पड़ता है आई नो मैं देख रहा हूँ। आपने बोला ना कि आपको मालूम है बकबक करती हूं ज्यादा अनिल जी क्या बात है अनिल <laughs> जी बोलिए अनिल जी देखिए अभी तो ये जैसे सकिना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी मतलब क्या बात है नसीब वाले भाई आप अब है बिल्कुल है अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला जाता है। दो एक तो जी का इनके साथ बना हुआ है, इनकी का, वो बहुत है में। वो तो में पहुंची नहीं पाई आशीर्वाद पहुंच गया ना नसीब समझो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में आशीर्वाद पहुंच जाए बीवी खबर है ना मुझे आप बताइए बाईस कि कि साल पहले फिल्म आई थी आज के यंगस्टर्स आ गए है उनको कनेक्ट करना जी ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना ये कैसे आपने मैनेज किया देखो क्या है वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है इंसान अंदर से वही रहता है माता पिता माता पिता रहते हैं पुत्र पुत्र रहता है पत्नी पत्नी रहती है इमोशन सेम रहते हैं वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता तो गदर टू जो थी गदर वन जो थी तारा सकीना और जीते की कहानी थी और उस कहानी को आगे बढ़ाना था तारा सकीना की उस कहानी को उस परिवार की कहानी को तो वो बहुत आसान था आसान आ, मतलब आसान आज लग रहा है मुझे वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में <laughs> लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाएं और 22 साल इतफाक से गुजर ही चुके थे 20 बाईस साल गुजर ही चुके थे तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी वो 1947 था 1971 आ गया तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई जुड़ गई तो बन गई और क्या जो उसका इमोशन है इमोशन कनेक्ट करता है इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा वक्त बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुगल आज़म आज भी कमाल लगती है गदर अभी भी रिलीज़ की हम लोगों ने देखो क्या इसी थिएटर में यहाँ मैंने इतनी तालियाँ सीटियाँ बदलती पड़ी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं इमोशन सेम रहता है गॉन विद द विंड आज भी कमाल है गॉड फादर आज भी कमाल है टाइटनिक आज भी कमाल है तो जो कमाल है सो कमाल है 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 गदर आज आज भी भी वैसे ही है, शोले भी वैसे ही है। क्या बात है और गदर तू भी ऐसी रहने वाली है अगले साल और और जी बस पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए हमने कोशिश की है ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए यहाँ पे देख रहा हूं मैं तो बस आप लोगों जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है <laughs>